हाँ बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आज टुडे टॉपिक गिव द हेडिंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को समझने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बच्चों, जैसे एक ये वायर होता है, इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट, डेट हम जानते हैं। इसी तरह से इस वायर के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि दैट इज, अगर ये वायर है, इसको हम जब चार्ज देंगे तो इसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। मान लेते हैं हमने प्लस, तो पोटेंशियल V1 हो गया, हमने चार्ज को बढ़ा दिया तो पोटेंशियल V2 हो गया, हमने और चार्ज को बढ़ा दिया तो पोटेंशियल V3 हो गया। क्योंकि जैसा आप जानते हैं ना, पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है के क्यू बाई आर होता है, ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। तो कोई भी अगर वायर है, ये वायर है, तो जब हम इसको चार्ज देंगे, जब क्यू हमने चार्ज दिया तो इसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। तो हमने क्यू दिया, पोटेंशियल V1 हो गया, हमने डबल क्यू दे दिया तो पोटेंशियल V2 हो गया, हमने ये दे दिया पोटेंशियल और बढ़ गया। तो कहने का मतलब है जो क्यू है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्लियर। तो यहाँ जो कांस्टेंट आती है दैट इज सी वी। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, सी इज़ ए कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, कॉल्ड कैपेसिटेंस। सी वो कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज आर आई। आर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आर को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्लियर। तो नोट कर लेंगे बच्चों इसको। हाँ तो बच्चों, आप वेरी सिंपल समझ गए, क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी। तो आइए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन भी। मैं इसको मिटा दिया। तो जैसा आपने देखा क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी, सी इज ए कांस्टेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ से बच्चों सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। इफ़ वी इज 1 वोल्ट मान लेते हैं, देन सी इक्वल्स टू क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो व्हाट इज सी? सी इज ए कैपेसिटेंस, सी इज ए कैपेसिटेंस, दैट इज अ चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। कोई ये वायर है, इसकी पोटेंशियल हमको 1 वोल्ट इंक्रीज करना है, तो जितनी चार्ज की आवश्यकता है दैट इज ना, दैट इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ दिस वायर, दैट इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ दिस वायर, क्लियर। अब अगर यूनिट निकालना होगा हमको तो सी दैट इज क्यू मीन्स कूलम एंड वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, यूनिट इज कूलम, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट। तो बच्चों 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, इसको हम कहते हैं 1 फेराड, 1 फेराड भी कहते हैं, एफ से लिखते हैं, क्लियर। बट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ वी यूज मिली फेराड, माइक्रो फेराड, पीको फेराड। मिली तो आप जान ही गए, 10^-3 फेराड, माइक्रो 10^-6 फेराड, पीको 10^-12 फेराड, क्लियर। तो अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, 1 फेराड इज़ वेरी बिग यूनिट, क्लियर। तो नोट कर लेंगे इसको, यस। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी वायर में, ये उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, टू स्टोर द चार्ज, पोटेंशियल देंगे, चार्ज देंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। तो क्यू इज डायरेक्टली इक्वल टू वी, कॉन्स्टेंट इज सी कैपेसिटेंस। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये आपको समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों पहले तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। बच्चों एक वायर जो होता है इट कैन स्टोर चार्ज, ये वायर है, दिस इज वायर, वायर इट कैन स्टोर चार्ज, इट कैन स्टोर चार्ज बट नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ये ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है, इसके पास एक क्षमता होगी, एक लिमिटेशंस होगा, तो इट कैन स्टोर चार्ज, राइट। तो कैसे हम इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे सो डैट इट कैन स्टोर मोर चार्ज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये एक वायर है, मैं इसी को बता रहा हूँ, हमने इसको चार्ज दिया पॉजिटिव, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया मैक्सिमम, हमने ये जितना चार्ज ले सकता था मैंने दे दिया, अब उसके उससे ज़्यादा हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज नहीं लेगा, वो चार्ज लीकेज हो जाएगी सराउंडिंग में, क्लियर। तो कैसे हम इसकी कैपेसिटेंस को, इसकी क्षमता को और बढ़ाएंगे, अगर हम एक प्लेट यहाँ पे रख देते हैं जस्ट इसके पैरेलल, एक प्लेट हम यहाँ पे रख देते हैं राइट, तो क्या होगा, बाई इंडक्शन प्रोसेस यहाँ माइनस हो जाएगा, इंडक्शन प्रोसेस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, क्लियर। मान लेते हैं ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, क्लियर। एक वायर है इट कैन स्टोर चार्ज, हम इसको चार्ज दे सकते हैं, इसके पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। तो हम इसको मान लेते हैं ये वायर मेरा ए था, तो इसमें इसको हमने मैक्सिमम चार्ज दे दिया, अब इससे ज़्यादा ये चार्ज नहीं ले सकता है, अगर हम चार्ज देंगे तो वो लीकेज होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको और ज़्यादा चार्ज दें और स्टोर करें, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू प्लेस ए अनदर वायर बी, अनचार्ज वायर, क्या प्लेस करेंगे, अनचार्ज्ड वायर हम उसके सामने प्लेस करेंगे। तो जैसे ही हम उसके सामने प्लेस करेंगे तो बाय इंडक्शन प्रोसेस अपोजिट चार्ज विल अपीयर नियर बाय फेसेस, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज, इसने क्या किया, ए का पोटेंशियल कम कर दिया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ए का पोटेंशियल बढ़ा दिया, बात समझ में आई। दोनों चार्ज डेवलप होंगे, इंड्यूस चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव जस्ट नियर बाई अपोजिट, ये प्लस ये माइनस, राइट। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसका पोटेंशियल को कम किया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस पोटेंशियल को बढ़ा दिया, तो भी मेरा काम नहीं हुआ, राइट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, इसको हम अर्थिन कर देंगे, इस वायर को हमने अर्थिन कर दिया। जब हम अर्थिन कर देंगे तो देखो बच्चों ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जैसे रिपल्सन होगा तो ये चार्ज को नीचे जाने का एक रास्ता मिल जाएगा, ये अर्थ है, अर्थ, तो ये चार्ज मेरा नीचे फ्लो हो जाएगा, राइट, फ्लो हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा ये पॉजिटिव तो बचेगा ही, दिस इज पॉजिटिव, और ए में और बी में हमको केवल निगेटिव चार्ज ही मिलेंगे, क्लियर, विथ अर्थिंग करेंगे। अब इसकी पोटेंशियल काफ़ी कम हो गई, अब इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, अंडरस्टैंड, नाउ इट्स पोटेंशियल इज डिक्रीज ट्रिमेंडसली एंड इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर, इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर, क्लियर, बना लीजिए इसको प्लीज। हाँ तो बच्चों कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है वायर की, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ वायर, एंड क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी, सी इज द कैपेसिटेंस। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटेंस किस के डिपेंड करता है, दो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जो होती है वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है, पहली बात। बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, किस मीडियम में वो रखा गया है उस पर डिपेंड करती है। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन हुइच कंडक्टर इज लोकेटेड, किसी भी मीडियम का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या रिलेटिव परमिटिविटी होता है, उस पर डिपेंड करता है। मैंने रिलेटिव परमिटिविटी आपको पहले बता चुका हूँ, इवन फिर भी अगर आप भूल गए हो तो मेरा वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कभी कभी इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ देती है, व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों जैसे कि कोई भी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस होती है, राइट, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। जैसा हमने अभी आपको बताया ये कैपेसिटर है, राइट, कैपेसिटर, इसके अंदर हम कोई अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल, मान हम लोग कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया लाइक दैट, ये कैपेसिटर है, ये हमने ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाते हैं, इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाती है। कितना टाइम्स कम होगी, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई बाई के, ये कम हो जाती है, इट विल रेड्यूस बाई के, तो के इज़ द दैट इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहलाता है, राइट। तो इसे हम डिफाइन करते हैं, तो दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो दैट इज मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए राइट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेरा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था इन द डाइलेक्ट्रिक, तो कितना से वो रिड्यूस किया दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ से हम E इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E नॉट बाई के, मीन्स कोई भी डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, कितना कम हो जाएगी, 1/k, के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। जैसे होता है ना, कोई भी मटेरियल का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो हम लाइट में पढ़ते हैं, इसी तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं उसका भी अपना एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है के, क्लियर। तो इस के को अलग अलग नाम भी है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी, डिफाइन स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, डिफाइन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या कभी पूछ देता है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी इज दिस, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज दिस, तो व्हाट इज द यूनिट, क्योंकि रेशियो है तो नो यूनिट, क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गिव द हेडिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसा कि कैपेसिटर आप जान गए, इट इज़ ए डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। तो एक मेटेलिक प्लेट है और दो मेटेलिक प्लेट है, एक मेटेलिक प्लेट है जिसमें मैंने चार्ज दिया, दूसरा पॉइंट है मेटेलिक प्लेट है जिसको सामने रखा और इसको अर्थिंग कर दिया, इट बिकम्स ए कैपेसिटर। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर इस तरह से मेटेलिक सीट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज जो भी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है,
right, that we have already done the derivation in our, that is Gauss theorems applications. इसको आप जरूर देख लेना. That is the electric field due to the infinite plane sheet of charge. The electric field is sigma by 2 epsilon. Sigma क्या है? Q by A, charge per unit area. Sigma is charge per unit area. तो capacitance में क्या होता है बच्चों, कि जैसे टू मेटेलिक प्लेट्स है लाइक डैट, ये एक प्लेट हो गई और ये एक प्लेट हो गई लाइक डैट. ये हमने इसको चार्ज दे दिया प्लस, इसको चार्ज दे दिया माइनस, प्लस माइनस माइनस. तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके द्वारा, ये पॉजिटिव है अभी, ये निगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज होगी, ऐसा होगा. या इसकी जो वैल्यू होगी, दैट इज़ इसकी जो वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो कैपेसिटेंस के अंदर, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को ऐसा बनाएं, राइट, मेटेलिक प्लेट ए, मेटेलिक प्लेट बी, ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटर हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, राइट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, यहाँ पे कितना होगी, यहाँ पे कितना होगी, यहाँ पे कितना होगी, सब जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगी. दैट बिकॉज इट इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसा मैंने आपको कहा था ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम. तो चाहे हम यहाँ पे ले लें पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कहीं भी कोई भी रीजन ले लें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगी. क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए. हाँ, तो बच्चों लेट अस डेराइव द फार्मूला कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी. तो सपोज लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट ए एंड प्लेट बी, जिसमें हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसमें मैंने माइनस क्यू, बाई इंडक्शन ऑटोमेटिक हो गया. एंड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. तो कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स. हमने एयर या वैक्यूम मान लिया है, तो इसी को हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक पेपर भी डाल सकते हैं, माइका भी डाल सकते हैं, वाटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं. तो ये सब डाइलेक्ट्रिक कैटेगरी में आते हैं, और सबका अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, माइका की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, राइट. तो हमने एयर को इमेजिन किया है यहाँ पे. तो लेट ए इज़ द, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, इस प्लेट की एरिया ए है. डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मेरा स्मॉल डी है. बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, दोनों बीच के, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, क्योंकि बिना पोटेंशियल चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस. तो दैट इज वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, क्यू इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आइदर प्लेट. आइदर प्लेट में सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दैट इज क्यू बाई ए, इट इज क्यू बाई ए. क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ. यस, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सिग्मा मीन्स दैट इज क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. नाउ वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस भी, राइट, भी इक्वल्स टू व्हाट, ई इंटू डी, यही तो होता है. ये फार्मूला आपको याद होगा, ई इक्वल्स टू माइनस भी बाई आर. आर ये था ना निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो निगेटिव तो उसका डायरेक्शन बताता है, दैट इज इट गो ऑन डिक्रीजिंग, पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फ्रॉम हेयर वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, आर मेरा डी है, तो वी इक्वल्स टू ई, मतलब ये हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एंड ये डी हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. क्लियर? देयरफॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जैसा मैंने बताया, वी नो दैट क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी होता है, तो सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी होगा, राइट. तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्यू मीन्स क्यू, वी मीन्स दैट इज क्यू इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कर दिया हमने पुट.
अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है उसकी जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये आपके एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन दे रखा है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों आपने देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर, अगर उसमें एयर है तो हम सी जीरो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख देते हैं। ये हो गई कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर। अगर हम इस एयर को रिप्लेस कर दें किसी और मीडियम से, राइट, तो हम परमिटिविटी, ये जो परमिटिविटी था एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमको अगर हम किसी कोई मीडियम इसमें डाल देते हैं तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर? वी हैव टू रिप्लेस इट बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एरिया चेंज नहीं होगा, डी चेंज नहीं होगा, राइट। तो अगर हम इस अलग मीडियम डाल देते हैं, इफ़ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ ए मीडियम, अब मीडियम है तो उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एंड दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, वेयर के इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज दिस इन मीडियम, हम कोई मीडियम यहाँ प्लेस कर देंगे तो इधर एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बाई डी। नाउ ये एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी दैट इज द जब व्हेन इट इज इन फ्री स्पेस, सो सी जीरो, सो वी गेट द सी एम बाई सी जीरो। तो इसे इसका प्रूफ करने आता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसका प्रूफ करने आता है, प्रूफ दैट के इक्वल्स टू सी एम बाई सी जीरो, ये आपके एन सी आर टी में दे रखा है, राइट। तो के क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन मीडियम, तो रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। क्लियर? तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज दैट इज के इंटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अगर हम इसमें कोई मीडियम डालते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है के टाइम्स, क्योंकि हर मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। क्लियर? तो प्लीज़ नोट इट डाउन। ना बच्चों लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि सी इक्वल्स टू एफ साइलेंट नॉट ए बाई डी। आपको इसमें से सब पैरामीटर दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, फाइंड आउट, यू कैन डू इट। नेक्स्ट जो आता है कि अगर हम उसमें डाइलेक्ट्रिक पुट कर दें, डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू के है, के की कुछ वैल्यू दे देगी तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, ये आ जाता है। तो जस्ट यू नो दैट द न्यू कैपेसिटेंस इज के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आती है कि जैसे हम डिस्टेंस को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को इंक्रीज करने के लिए हमको मीडियम डालना पड़ेगा, एप्सिलॉन डालना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, के हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ओके। तो दो अलग क्वेश्चंस जो आता है, जो आपके एनसीईआरटी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी डिस्टेंस है, प्लेट की डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। व्हाट मस्ट बी द प्लेट एरिया, प्लेट एरिया क्या होगी इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर टू बी 1 फेराड। अगर हमको 1 फेराड की कैपेसिटर के 1 फेराड कैपेसिटेंस की कैपेसिटर चाहिए तो प्लेट की एरिया क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रूव करता है कि 1 फेराड इज़ वेरी बिग कैपेसिटर, वेरी बिग। तो आई थिंक यू कैन डू इट, प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। हाँ तो बच्चों आपने कर लिया होगा। तो लुक एट हियर, वी यूज द फार्मूला सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी
डी इज 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर, एरिया हमको निकालना है, कैपेसिटेंस 1 फेरा दे रखा है। तो फ्रॉम हियर ए इक्वल्स टू सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट, सी इज 1 फेराड, डी इज 1 मिलीमीटर एंड एप्सिलॉन नॉट इज दिस वन। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस फिगर लाइक दैट। यू सी दिस इज एरिया 1.1 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका एक डायमेंशन निकालें, सपोज इफ आई फाइंड इट आउट वन डायमेंशन ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, सपोज एल लेंथ निकालें तो इसका अंडर रूट लेंगे राइट, तो इट इज 10⁴ आ जाएगा। 10⁴ दैट मीन्स 10,000, दैट इज 10⁴, दैट मीन्स 10 × 10�³, दैट इज 10 किलोमीटर। मतलब आप एक ऐसा आइडिया इमेजिन करो कि अगर हमको 1 फेराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना है तो उस एरिया जो प्लेट की हम जो प्लेट एरिया लेंगे उसकी केवल लंबाई 10 किलोमीटर होनी चाहिए, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए कहते हैं कि 1 फेराड जो है इज वेरी बिग कैपेसिटेंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा मिली फेराड, माइक्रो फेराड, पीको फेराड कैपेसिटेंस लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो आई होप यू एन्जॉय माई वीडियो, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।